हंगामे की ये तस्वीरें सोमवार की है, जब अशोकनगर में खाद के लिए पहुंचे किसानों ने खाद न मिलने पर हंगामा कर दिया था। इस दौरान आरोप है कि किसानों ने कृषि विस्तार अधिकारी की पिटाई भी कर दी थी। हालांकि गनीमत रही कि गुस्साए किसानों के चंगुल से किसी तरह से कृषि विस्तार अधिकारी ने अपनी गाड़ी में छुपकर जान बचाई। बहुत समझाने पर भी वो नहीं माने और एकदम मुझे मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश करने लगे, मुझे गालियां देने लगे, कुछ कुछ शख्स चिल्लाने लगे कि इसी ने चाकू मारा है। तो इस तरह की अफवाह को सुनकर कई किसानों ने, लगभग 50-100 किसानों की भीड़ थी, उनने मुझे पटकने का प्रयास किया, गला दबाने का प्रयास किया। मेरी शर्ट के बटन भी टूट गए। बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी में बैठकर अपनी जान बचा पाया। कोरकू साहब जो दरोगा जी थे, उनने दो बार गाड़ी का गेट बंद किया, इसके बाद भी गाड़ी का गेट खोलकर मुझे खींचने की कोशिश की गई। वो तो फिर दो लोग और आ गए पुलिस वाले, तो बड़ी मुश्किल से उनने गेट बंद किया। अब इस मामले में FIR दर्ज हुई है। कृषि अधिकारी की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 कांग्रेस नेता और 2 किसानों सहित कुछ अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। खाद वितरण का जो है कार्यक्रम चल रहा है, किसानों को खाद वितरण कराया जा रहा है, शासन प्रशासन और पुलिस भी इस मदद कर रही है। हर जगह जो है व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा भीड़ को मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग थे और किसान कांग्रेस के लोग जुड़े हुए, जो किसानों को भड़काने का काम किया और वहाँ पर भड़का के जो कृषि विस्तार अधिकारी है मुकेश रघुवंशी, उसके साथ धक्का मुक्की मारपीट की घटना किया था। इस पर उनकी रिपोर्ट पर, उन्होंने जो रिपोर्ट किया उसकी रिपोर्ट पर जो है रितेश जैन जो यहाँ पे शहर कांग्रेस अध्यक्ष है और सुखवान यादव जो किसान कांग्रेस का है और बाकी उनके 2-3 कार्यकर्ता लोग थे जो वहाँ पे इस प्रकार की हरकतें किया, गलत काम किया, उसके खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है और उनकी विवेचना की जा रही है। वीडियो फुटेज देखेंगे और जो उसमें और बाकी सदस्य कथन स्टेटमेंट लेंगे जो उसमें कार्य। आपको बता दें कि राज्य में खाद की कमी की वजह से किसान परेशान हैं। किसान कई जगहों पर इसको लेकर हंगामा और चक्का जाम भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी खाद की कमी बनी हुई है। किसानों को डर है कि अगर वक्त पर खाद नहीं मिला तो इस साल खेती नहीं हो पाएगी। अशोकनगर से राहुल कुमार जैन की रिपोर्ट MP तक।